कपिल, इस फिल्म में आपका किरदार क्या है? आप कैसा रोल निभा रहे हैं? इस फिल्म में मैं आशुतोष राणा का छोटा भाई हूँ, जो आर्मी में मेजर है, और इट्स लाइक अ रोमांटिक लड़का है, इनोसेंट लड़का है। ये आपकी पहली फिल्म है, जी हाँ, तो आपको कैसे लग रहा है कि बड़ा रोल आपने लैंड किया है अपनी पहली फिल्म में? आई वॉज कॉन्फिडेंट वर्किंग विद सावन जी। फिल्म शुरू होने के पहले उनके साथ बैठते थे, हम सीन डिस्कस करते थे, काफ़ी कुछ सीखने मिला उनसे, और हर दिन एक नया एक्सपीरियंस था वर्किंग विद आशुतोष राणा, अमरीश जी, प्रेम जी, काफ़ी कुछ सीखने मिला, सो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। अपने कैरेक्टर के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ लाइक वो कैर किस किस्म का लड़का है, वो क्या करता है, वो किससे मिलता है, उसकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है? आई कैन रिवील द स्टोरी राइट नाउ, आई जस्ट कैन से दैट इस फिल्म में मैं इंडियन हूँ, जो आशुतोष राणा जो आर्मी में मेजर है उनका छोटा भाई हूँ, जो काफ़ी मुश्किलों से उनको बचाने जाता है, जो उनको घर में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये लड़का एट द एंड ही हैज़ टू लैंड अप इन पाकिस्तान फॉर हिज मिशन, और वहाँ आई सी दिस गर्ल सलोनी एंड आई फॉल इन लव विद। तो इस लव स्टोरी में आप कहेंगे इज इट अ क्लीन लव स्टोरी कि उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं? काफ़ी सारे हर लव स्टोरी में प्रॉब्लम्स होने ही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करके इन द एंड वी मीट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिहादीज एंड फाइट्स, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करके आई देना इन द एंड आई मीट हर। इस पर्टिकुलर टॉपिक, इस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन के बारे में आप हमें, आई मीन आई एम नॉट आस्किंग टू रिवील द स्टोरी, वो तो आप लोग नहीं कर रहे हो, लेकिन जो टॉपिक आपने लिया है, जो थीम लिया है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत हॉट टॉपिक है, वैसे बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दिस फिल्म इज़ अबाउट हिंदुस्तान में भी लोग रहते हैं, यहाँ भी अच्छा ही है, पाकिस्तान में भी लोग रहते हैं, वहाँ भी अच्छा ही है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी लोग बुरे हैं, बुरे हैं तो सिर्फ जिहादी लोग जो टेररिज्म फैला रहे हैं। इस फिल्म में हमने वो बताया है कि वहाँ रहने वाले सड़क के वो बाहर जो लोग रहते हैं वो ख़राब नहीं है, जो जिहादीज हैं जो मेन जड़ है वो ख़राब है, इस फिल्म में हमने उसके बारे में बनी है फिल्म, सलोनी के साथ काम करते हुए आप कैसे लगे? बहुत अच्छा लगा। शी इज़ अ वेरी डेडिकेटेड गर्ल, काफ़ी हम दोनों की काफ़ी ट्यूनिंग मिलती जुलती है, काफ़ी सपोर्ट किया हम दोनों ने एक दूसरे को, वी बोथ आर न्यू कमर्स, डांसिंग में, एक्शन के कुछ सीन्स है जहाँ उसको दौड़ाना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हर सीन के पहले बैठते थे, डिस्कस करते थे एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छा लगा उससे काम करके, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। इस फिल्म के लिए आपने कैसी प्रेपरेशन करी थी, एक्शन सीक्वेंसेस, डांस सीक्वेंसेस के लिए? डांस तो सरोजी ने मुझे रिहर्सल्स में ही ओपन कर दिया था, उनके साथ काम करके ऐसा लग रहा है कि आई कैन वर्क विद एनी डांस डायरेक्टर इन द फिल्म इंडस्ट्री, और एक्शन में अब्बास भाई, उनके साथ काम करके भी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ट्रेन हो गया मैं। व्हेन आई केम आई कैन से आई वॉज जीरो, फिल्म के मिड तक आई वॉज से अबाउट 30-40%, नाउ आई काउंट एज द स्केल ऑफ 10 आई कैन रेट माई सेल्फ एट 7 और 8। फिल्म के म्यूजिक और गानों के बारे में, कोरियोग्राफी, डांस के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए, इसमें मेलोडी कैसी है, फील कैसा है म्यूजिक का? काफ़ी सारे लव सॉन्ग्स हैं, एक शहीदों का गाना है जो कारगिल पे बेस हुआ है, काफ़ी अच्छे गाने हैं, सावन जी के लिरिक्स सबको पता है, इट्स अ मेलोडियस म्यूजिक, इज़ वेरी नाइस, ऑल लव नंबर्स एंड नो पैपी नंबर्स, एवरी सॉन्ग्स गॉट अ मीनिंग इन इट, ऐसा नहीं कि कुछ भी आजकल बन रहे हैं जो गाने, हर गाने के पीछे एक रीज़न है इसलिए वो गाना है। मुझे और कुछ बताइए अपने किरदार के बारे में, कैसे किस्म का लड़का है वो, क्या करता है वो? आपने बताया कि वो किसका बेटा है, वो कहाँ जाता है, लेकिन उसके कैरेक्टर ट्रेट्स में क्या शेड्स हैं, क्या डिटेल्स हैं? मैं सिर्फ इतना कह पाऊंगा आपको कि लड़का ही इज़ लाइक अ बॉय नेक्स्ट डोर, जो अपने भाई को बचाने के लिए हर हद तक पार कर सकता है,
कोई हद पार कर सकता है अपने भाई को बचाने के लिए. ही हैज टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स. ही गोज टू पाकिस्तान, फाइट विद पीपल अराउंड, फाइट फॉर द लव. दैट्स इट. आई कैन टेल यू मोर अबाउट दिस थिंग. आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इसके? काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं मेरी. आई एम वेटिंग फॉर, आई गिव माई बेस्ट. मैंने पूरी कोशिश की जहाँ तक अभी ऑडियंस पे डिपेंड है मुझे कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो. और कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? कोई यूनिक एक्सपीरियंसेस शूटिंग के दौरान? हाँ, एक मनाली में मेरे साथ किस्सा हुआ था. एक्सीडेंट हो गया था मेरा एक्शन करते करते. वहाँ एक सोलंग वैली करके रिवर है जो गर्मियों में भी बहुत ठंडी रहती है, तो वहाँ मुझे क्रॉस करना था वो रिवर. क्रॉस करते करते आई वाज स्टक, बीच में अटक गया था मैं. और उसकी लहरें इतनी तेज़ थी, जो मैंने जूते पहने थे वो भी लेके चली गई थी. वो तो अच्छा था मैं रस्सी से बंधा हुआ था, और पानी इतना ठंडा, मेरी पूरी सांस फूल गई थी, पूरा बदन लाल हो गया था. वहाँ से फिर जो एक्शन के डायरेक्टर्स के असिस्टेंट्स हैं वो खुद घबरा रहे थे पानी में उतरने को, मुझे निकालने को बाहर. एंड माई लेग वॉज स्टक, मेरे पाँव अटक गया था पानी के अंदर, पूरा छिल गया था और मैं निकल ही नहीं रहा था बाहर. फिर 10-12 मिनट पानी में था, बाहर निकाले उन्होंने. फिर शूटिंग की लाइट्स सब ऑन किए, सब कपड़े उतारे, रम वम सब पिया, एकदम ठंडा पानी था वो. मैं कह सकता हूँ एक बार फायरिंग करते करते मेरी उंगली छिल गई थी, पूरा खून बहने लगा था. उसी टाइम वहाँ डॉक्टर वॉक्टर सब बुलाए थे. मैं कह सकता हूँ फिल्म के लिए मैंने खून दिया है. अच्छा ठीक है. एक और बात कपिल, अभी क्या इरादा है? आप मॉडलिंग से आए हो, एकदम एक्सीडेंट से आपने कहा फिल्मों में, अभी आपका क्या इरादा है? बॉलीवुड में ही रहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं बॉलीवुड में रहना चाहूँगा, मॉडलिंग भी करना चाहूँगा, बिकॉज आई एन्जॉय बोथ. जिस चीज़ में मुझे मज़ा आएगा मैं वो करूँगा. ऐसी चीज़ नहीं कि ज़बरदस्ती मैं करूँ. आई एम इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग टू एंड इन फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो. आई एम वेटिंग फॉर गुड स्क्रिप्ट जिसमें कंटेंट हो, वेटिंग फॉर दैट. ऐसी कोई आजकल बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो बड़े बड़े स्टार्स को लेकर जो नहीं चल रही, क्योंकि उनमें स्टोरी नहीं है, स्क्रिप्ट. मेन थिंग इज द स्क्रिप्ट आई एम लुकिंग फॉर. थैंक यू.